खेसारी लाल यादव ने ऐसा मूर्खता कैसे कर दिया? खेसारी लाल यादव जी, आप क्या बेवकूफ हैं? आप कैसे किसी पे ऐसे विश्वास कर लेते हो? नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध करूंगा। महबूब खान को जानते होंगे, जो जिनके ऊपर FIR वगैरह हुआ था, खेसारी जी के तगड़े वाले फैन हैं। तो भाई भी यूट्यूब चैनल बनाए हैं, उनका एक चैनल था, डिलीट हो गया था, फिर से वो बनाए हैं। तो आपको दोस्तों प्यार देना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार चैनल पे विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो मुद्दा ये था कि खेसारी लाल यादव को मैंने मूर्ख कहा। अरे मैं मूर्ख क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए, रीज़न सुनिए, मूर्ख नहीं है ये, मूर्खता है। कैसे बता रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जी अग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। क्या बोला उन्होंने कि मैंने अग्रीमेंट पे साइन कर दिया। जो पढ़े लिखे मेरे दो मैनेजर थे, एक तो दिल्ली थे और एक थे गांव, और मैंने विश्वास पे अग्रीमेंट पे साइन कर दिया। क्लॉज मैंने पढ़ा नहीं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन था पढ़ा नहीं, बस मैंने सिग्नेचर कर दिया। और भाई साहब, सिग्नेचर जब कर दिया, अब तो चिड़िया फंस गई जाल में। तो कहने का मतलब है खेसारी जी, गलती कहीं ना कहीं आपकी ही है। आप चाहे इसे गलत बोलो या सही बोलो, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, गलती आपकी कैसी है कि आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। आप एक ऐसे बंदे हो कि किसी पर भी फट से विश्वास कर लेते हो। एक महीने आप उसके साथ रहोगे तो आपका कोई दिल जीत ले तो आप उस पर एकदम, मतलब अरे भाई मेरा भाई है। तो ये विश्वास वाला जो मतलब तरीका है ना आपका, इसमें आप डाउन हो, एकदम डाउन हो। अगर सोचो आप वहाँ पे साइन नहीं किए होते, आप बोलते कि नहीं एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, या मेरे मैनेजर जो है, या मेरे कोई वकील है, एडवोकेट है, या मेरे कोई लॉयर है, जो भी आपका जान पहचान का है, जो कि ये सब लेके डील करता है, एक बार उनसे पढ़ा के फिर मैं सिग्नेचर करूँगा, तो ये होता ही नहीं। आप शायद, मतलब आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि नहीं ऐसा कुछ हो भी सकता है, और आप फंस गए जाल में। जाल में फंस गए हैं तो इससे निकलना भी आपको ही आता है, और आप बेखूबी निकल भी सकते हैं। तो इससे कैसे निकलना है, आप लॉयर, एडवोकेट, जितने लोग हैं उनसे आप सलाह लीजिए, आप म्यूचुअल कॉपरेशन कीजिए कंपनी के साथ। आखिर कंपनी क्या चाहती है, कंपनी इसके बदले में क्या लेगी, कुछ भी करके आप कोशिश कीजिए, बात कीजिए, एक अंडर द टेबल बात कीजिए, एक टेबल पे आके बात कीजिए और सोल्यूशन निकालिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। देखो ये कोई लाइक यू नो फाइटिंग नहीं है कि मैं उनको मारूंगा, वो मेरे को पंच मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कानूनी प्रतिक्रिया, इसमें किसी का भी पावर नहीं चलता, इसमें किसी का भी लाइक सोर्स नहीं चलता, पैरवी नहीं चलती, क्योंकि इसमें सब कुछ कोर्ट पेपर पे लिखा होता है, स्टैम्प पेपर पे लिखा होता है, जिसका मतलब आप चाहो तो इससे बड़े बड़े लोगों को घसीट दो। खेसारी जी क्या है, बड़े बड़े लोग, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ के बिजनेस है, तब भी मायने रखता नहीं है मेरे भाई। अगर लॉ में पकड़ा गए तो आप उनको भी घसीट सकते हो, और यही खेसारी जी के साथ हो रहा है। और कंपनी सही कर रही है या गलत कर रही है मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि खेसारी जी ने साइन किया है, तो क्यों साइन किया है, तो कंपनी के पास तो प्रूफ है। यहां तो खेसारी जी फंस गए, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको मैं यही बोलूंगा कि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहेगा। वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सारे खेसारी फैंस तक पहुंचाइए, और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सुझाव है, कैसे खेसारी जी को निकाला जाए। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देख के और चले गए मुंह उठा के, नहीं, कमेंट कीजिए, कमेंट, कहां से वीडियो देख रहे हैं, कौन से जिला से देख रहे हैं, कौन से गांव, आपका नाम क्या है, और सुझाव कि खेसारी जी को कैसे निकाला जाए।